देखिए, मुनेश यादव नाम का बदमाश है, इसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं और ये एक शातिर अपराधी है, किडनैपर है, लुटेरा है तथा एक चोर है। साथ ही साथ इसके खिलाफ गैंगस्टर के मुकदमे भी हैं और दिल्ली से लेकर झांसी से लेकर इटावा में भी इसके खिलाफ अभियोग दर्ज हैं। दिल्ली में एक स्कूटी चोरी किया था उसने, उसी स्कूटी से आज सूचना मिली थी, टिप ऑफ मिला था पुलिस को, जिसके आधार पर ये मानिकपुर जो मोड़ पड़ता है थाना एक दिल में जनपद इटावा में, वहां से वह ग्वालियर रोड से होते हुए भिंड की तरफ जा रहा था। पुलिस को सूचना मिल गई, इसका पुलिस ने पीछा किया, ट्रैक किया पुलिस ने, तो पुलिस पर इसने फायर किया जो है, तो पुलिस ने अपने डिफेंस में जो फायर किया तो उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, दो खोखा कारतूस, दो जिंदा कारतूस तथा एक स्कूटी बरामद की गई है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था तथा ये 2021 से 364 के एक मामले में, 364 एक मामले में वांछित चल रहा था, एक दिल थाना क्षेत्र से, जनपद इटावा से। और इसके खिलाफ किडनैपिंग के अन्य दो तीन मुकदमे जो है झांसी से भी हैं तथा जो स्कूटी बरामद हुई है, पूछताछ से पता चला है कि यह संगम विहार दिल्ली से इसने चोरी किया था, उसी गाड़ी से ये भाग रहा था जिस पर पीछा करती है पुलिस, तो ये पुलिस पर फायर करता है, जिसके प्रतिरक्षा स्वरूप पुलिस ने फायर किया, उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको गिरफ्तार करके जो उपचार है इसका अस्पताल, जिला अस्पताल में इसको कराया जा रहा है तथा इसको विधिसम्मत ढंग से विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।